बॉलीवुड की पांच एक्ट्रेसेस जो कभी माँ नहीं बन पाई, सुनी रह गई गोद, जीवन भर नहीं मिल पाया माँ बनने का सुख। आइए देखते हैं कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल और क्या थी इनकी माँ ना बन पाने की वजह। नंबर एक पर है रेखा। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा का नाम कभी अमिताभ बच्चन तो कभी विनोद मेहरा से भी जुड़ा था। विनोद मेहरा से रेखा ने शादी भी कर ली थी, लेकिन विनोद की मां ने रेखा को अपनाने से इनकार कर दिया। जल्द ही रेखा और विनोद का रिश्ता टूट गया था। इसके बाद साल 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ उनकी गोद भी सुनी रह गई। नंबर दो पर है संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में काफी एक्टिव थी। कभी उनका बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ लंबा अफेयर चला था। दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन एन मौके पर किसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद संगीता का नाम भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से जुड़ा था। पहले से शादीशुदा अजहरुद्दीन ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर साल 1996 में संगीता बिजलानी से शादी कर ली थी, लेकिन संगीता कभी मां नहीं बन पाई। हालांकि संगीता और मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिश्ता भी 14 सालों के बाद साल 2010 में तलाक के साथ खत्म हो गया। नंबर तीन पर है शबाना आजमी। शबाना आजमी गुजरे दौर की एक मशहूर अभिनेत्री है और अपने फिल्मी करियर में खूब नाम और पैसा कमाने वाली शबाना भी संतान के सुख से वंचित रह गई। 73 साल की शबाना आजमी ने अपने पसंदीदा शख्स के साथ शादी की थी, लेकिन शादी की 40 साल बाद भी उनकी गोद सुनी है। नंबर चार पर है जया पर्दा। 70 और 80 के दशक में अपनी गजब की एक्टिंग और लाजवाब खूबसूरती से हर किसी का दिल जीतने वाली जया पर्दा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 61 साल की जया पर्दा ने साल 1986 में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी की थी। श्रीकांत नाहटा पहले से शादीशुदा थे और उनके तीन बच्चे भी थे। इसके बावजूद जया पर्दा ने उनसे शादी की थी, लेकिन श्रीकांत और जया पर्दा की कोई संतान नहीं हुई, ना ही दोनों का रिश्ता लंबे समय तक टिक पाया। जया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसके लिए तैयार नहीं थे। नंबर पांच पर है सायरा बानो। सायरा बानो अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही है। वो दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी है। दिलीप कुमार और सायरा बानो कभी एक दूसरे के प्यार में पागल थे और सायरा ने महज 22 साल की उम्र में 44 साल के दिलीप कुमार से साल 1966 में शादी कर ली थी। हालांकि सायरा कभी मां बनने का सुख नहीं भोग पाई, आजीवन उनकी गोद सुनी रह गई। तो ये थी बॉलीवुड की पांच ऐसी एक्ट्रेसेस जिन्हें कभी संतान का सुख नहीं मिल पाया। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।